आज की वीडियो बहुत खतरनाक होगी क्योंकि आज कारू अभिनंदा से मिलेगा। बिल्कुल लेट मत करो, अभी से एक लाइक कर दो एंड कमेंट करके बताओ कितना एक्साइटेड हो वीडियो के लिए। एंड आपको दो चैनल सब्सक्राइब करना है, एक जो मेन वाला है वो और एक चैट रिस्क करके है, वहां पे मेरे फनी वीडियोस आते रहते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो, मजा ना आए तो नाम बदल देना। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, माइकल विष्णु और गारू दोनों को मारता है, विष्णु को ले जाता है और गारू को समुद्र के किनारे फेंक देता है। वहां उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था अगर वो परगेट्री आने की कोशिश करेगा तो वो लोग विष्णु को मार देंगे। तो लास्ट का सीन तो सबको पता ही होगा जहां ईसा देखने को मिली थी। चलिए देखते हैं अब आगे। जिंदगी एक सांप सीढ़ी के खेल की तरह है जहां तुम्हें बहुत सारे सांप मिलेंगे, कामयाब होने के पहले भी, कामयाब होने के बाद भी। नेक्स्ट एरिया और कलहरी मेरे हाथ में है, अब बारी है परगेट्री की। कलहरी में जैसे ही गुंडे को मार के मैं परगेट्री पे राज करने को पहुंचा, मैंने देखा ईसा को, वो गिरी हुई थी। मैं उन्हें लेकर सीधा हॉस्पिटल जाता, अगर मैं 2 मिनट भी लेट करता तो वो अपना दम तोड़ देती। इसका मतलब हनुमान तुमने बचाया ईसा को, अब खेल खेलने में बहुत मजा आएगा। कैसा खेल गारू? वो तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन हाँ हनुमान, तुम्हारा ईसा को बचाने के लिए थे, अब तुम जा सकते हो। अपना ध्यान रखना दोस्तों। ईसा घबराओ मत, अभिनंदा जिंदा है और मैं उसे अभी बचा नहीं जा रहा। तुम मेरे साथ चलो, जहां रखूंगा वहीं रहना। अभिनंदा को तुम बचा तो लोगे ना? ये गारू का वादा है, ना बचा पाया तो जान से मार देना। आपको इसी टेंट पे रुकना है जब तक मैं ना। ठीक है, अपना ध्यान रखना और उसका भी। मुझे पक्का यकीन है विष्णु यहीं कहीं होगा, लगता है वहीं है विष्णु। ये गाड़ी की आवाज, हमारा कोई पीछा कर, उसे जरा सबक सिखाना पड़ेगा। ये क्या, उन्हें पता चल गया लगता है। सेट, ये तो लगातार गोलियां चला रहे हैं, यहां से कैसे निकलूंगा? एक साथ उतने सारे लोगों से लड़ भी नहीं सकता। कौन आ रहा है इधर? अरे कुछ भी बोलो भाई, मजा तो बहुत आया। आओ आओ अंदर आओ। अरे बहुत दिनों से आवाज नहीं मिटी है बे, रशियन रशियन बुलाओ सालो। अरे करवाते हैं प्रबंध यार, रुको मौत के आ रहे हैं। मिल गए माल, मिल गए रे। और इधर ऐसा क्या देख लिया साले? हाँ ये तो आइटम निकली रे। मैं बता दे रही हूँ, दूर रहना मुझसे। तुमसे दूर नहीं, अब तो तुम्हारे करीब आऊंगा जान मन। अबे दम है तो निकलना बाहर, साला वो बाहर नहीं आएगा। चलो रे पकड़ो साले को। बाहर मैं आऊं? चल ठीक है, आता हूँ। इसे ही बचाने आया होगा, इसे वापस से उसी जगह पे रखवा दो। निकलना नहीं चाहिए और मैं अकेला ढूंढ के मारूंगा उसे, चाहे वो कोई भी हो। इसे ले जाओ और रख दो वापस से पहुंच पे। समझ नहीं आ रहा, अभिनंदा और विष्णु को कहाँ ढूंढूं? ना कोई हिंट मिलता है, ना कोई यहाँ बताने वाला है। एक सेकेंड, वहां ऊपर गुंडे कर क्या रहे थे? मतलब वहां कोई तो है, चाहे अभिनंदा या विष्णु। मैं आ रहा हूं।
कौन है मिट्टू? तुम्हारा बाप। और डर लग रहा है सामने खड़ा हूं तो? जाने दो भैया, मुझे नहीं पता था आप कौन हो। ठीक है, ले चला जा। सॉरी अगर आप मेरी वजह से डर गई हो तो, लेकिन विष्णु और अभिनंदा का लोकेशन पता चल चुका है और हम अभी चलेंगे उसे बचाने। आप भी मेरे साथ चलो, मैं आपको अकेला छोड़ के रिस्क में नहीं डाल सकता। हाँ मैं भी चलूंगी, और तुम्हारा शुक्रिया सही टाइम पे आने के लिए। आज चलेगी पूरी पार्टी रात में, क्योंकि हम बचाएंगे अभिनंदा और विष्णु को साथ में। गारू गया तो था इतनी उम्मीद से, लेकिन क्या इतना आसान होगा अभिनंदा और विष्णु को बचाना? चलिए देखते हैं। ऐसा आप गाड़ी में ही रहना, वादा है मेरा सामने से कोई नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई पीछे से आता है तो आप गाड़ी लेके तुरंत निकल लेना, मैं देख लूंगा, हमारी चिंता मत करना। आप यहीं रुको, गुंडे सामने हैं। तेरे और तेरे अभिनंदा का खेल खत्म है साले। तुम दोनों को ऐसी जगह पे रखा गया है जहाँ कोई माइका लाल नहीं आ सकता। शायद तो गारू के बारे में नहीं जानता। अबे तक तुमने गारू को जाना कहाँ है? जवान है, जवान तू। गारू वारू से नहीं डरता मैं, गांडू बना दूंगा आने दो। वो आ गया तो पता है क्या होगा? क्या होगा? मुंह देगा डर के मारे वो। हाँ हाँ मुंह देगा, लेकिन तू तो तू मुझे मारेगा। जानता है मुझे, तुझे मारने के लिए तुझे जानना पड़ेगा। अजीब चूतिया साला। ये ले। इसे कोई जाके बताओ, बाप से बकचोदी नहीं करते। गारू गारू मुझे तुझे कुछ बताना है। सब सुनूंगा, पहले यहाँ से निकलते हैं, चल। गारू निकलने से भी ज्यादा जरूरी है, सुन तो एक बार। अभी निकलने से ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारे साथ ईसा भी है। ईसा? ईसा कैसे? सब तुझे बताऊंगा, पहले यहाँ से निकल लेते हैं विष्णु। गारू तो समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? कुछ नहीं सुनना, चुपचाप गाड़ी में बैठ। अभिनंदा आगे वाले घर में है गारू, आगे वाले घर में है। क्या अभिनंदा यहाँ है? कृष्णा के मन में बहती राधा के प्रेम की गंगा। हाँ यही है, वही तो तब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे भी बचाना होगा हमें। हमें नहीं मुझे, तुम लोग जाओ। पागल है क्या गारू, जहाँ रहेंगे साथ रहेंगे। जितना बोल रहा हूँ विष्णु उतना सुन, ईसा को लेके जा यहाँ से। मैं तुझे अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, तुझे मेरी कसम है अगर तूने मेरा पीछा किया तो। गारू क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि डर लगता है कि तुझे कुछ ना हो जाए। जा यहाँ से। वादा करके तू आएगा? वादा है तेरे भाई का, आऊंगा, अभिनंदा के साथ आऊंगा, तू जा। गंदी है दुनिया। आ रहा हूं माइकल। सरदार विष्णु को ले गया है वो, अब अभिनंदा को लेने आ रहा है, अब जल्दी आइए। क्या उसके इतने हिम्मत? मैं आ रहा हूं। पहचाना? नहीं पहचाना तो कोई बात नहीं, आज पहचान बनाने ही आया हूँ। हमारे सामने पहचान बनाएगा, ये ले।
आज माइकल को भी बुला ले, वो भी नहीं रोक पाएगा। अरे ये सामने खड़ा है। आज तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। आप मिल गए, फाइनली आप मिल गए। कैसा है रिकारू? फिलहाल तो आपको ढूंढते ढूंढते थक चुका हूँ, और आखिरकार आप मिल भी गए हो। हर जगह ढूंढा जहाँ पॉसिबल हो सकता था, कहीं नहीं मिल रहे थे आप, लेकिन आज आपको देखकर मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पता नहीं खुश नहीं हूँ गारू, तुझे सब बताऊंगा। कोई आई थी मेरे लाइफ में। सब पता है मुझे, कैसे कैसे क्या हुआ सब पता है। क्या, किसने बताया? थे एक इंसान, लेकिन अब आप चिंता मत करो, अभी से आप खुश रहने लगोगे। कुछ बताऊंगा मैं आपको, बता दूं? बता देगा, लेकिन मुझे कुछ खुश नहीं कर सकता आप। खुश आपके आपका भूत भी होगा। दरअसल बात ऐसी है कि अभिनंदा अंकल नहीं गारू, माइकल को हराएगा। मुझे क्यों लग रहा है कि गारू मुसीबत में है? पॉजिटिव सोचो, कुछ नहीं होगा। अपने भाई के लिए नेगेटिव कौन सोचता है? उसका यहाँ से कनेक्शन है ना मेरा दिल से, तो उसे कुछ भी होता है ना तो मुझे फील हो जाता है वो चीज। डर लग रहा है मुझे, चलो मेरे साथ। गारू, कभी हम अलग हो गए तो? हम तो बचपन से साथ है ना, हम कैसे अलग होंगे? नहीं, मैं बस ऐसे ही सोचता हूँ। 10 दिन की आई लड़की के लिए हम इतना तड़प सकते हैं, तो 10 साल की दोस्ती के लिए हम कितना तड़पेंगे। खैर, मैं तो तुझे कभी अपने से अलग नहीं होने दूंगा, वादा है मेरा। और अभिनंदा को भी ढूंढेंगे, हम मिलकर ढूंढेंगे। गारू, तुझे कुछ नहीं होगा। अभिनंदा इसा जिंदा है। क्या बोल रहा है तू? विष्णु की कसम, जिंदा है वो। जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे माइकल। कैसी लगी वीडियो? थोड़ी सी छोटी है मानता हूँ, बट नेक्स्ट वीडियो पूरी लंबी होगी एंड बहुत खतरनाक होगी। नेक्स्ट वीडियो तो फाड़म फाड़ है भाई, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको 15 के लाइक्स करने होंगे। कैसे भी करके लाइक का बटन दबाओ, एंड 4 के कमेंट्स का एम है। गाइस, कुछ भी कमेंट करो, वीडियो कैसी लगी या नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है, कुछ भी जो मर्जी आ रहा है वो कमेंट करो। सब्सक्राइब का बोलता नहीं हूं तो कोई सब्सक्राइब नहीं करता, प्लीज सब्सक्राइब कर देना। एंड इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक पे क्लिक करके फॉलो कर लो। एंड इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी स्टोरी लगाओ मुझे इंस्टाग्राम पे मेंशन करके, मैं सब लोगों को मेंशन बैक करने वाला हूं। जल्दी जल्दी जाके स्टोरी लगाओ, एंड कमेंट करना मत भूलना, लाइक भी कर ही देना यार।